इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स के बारे में। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रीम्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और ये क्रीम्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं डर्मिफोर्ड K5 क्रीम, जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP 78 यानी कि 78 रुपये करीब इसकी MRP है। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स को बेनफोर्ड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है केटाकोनाजोल, जेंटामाइसिन सल्फेट्स, क्लोबीटा सोल्स, प्रोपियोनट्स, हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सी क्विनोलोन्स क्रीम इसके अंदर डाले गए हैं। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात की जाए, इसका इस्तेमाल तासा में इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये क्रीम्स का इस्तेमाल तासा का संक्रमण के इलाज के लिए ये क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के तासा के इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के खिलाफ काम करके इन्फ्लेमेशन के लक्षणों जैसे कि लालिमा, सूजन और खुजली को कम करता है। सरल भाषा में बताएं तो डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का इस्तेमाल अगर आपके बॉडी की कोई भी पार्ट में आपको इचिंग्स, खुजली या रशेस टाइप हुआ है, या फिर आपको पसीने की वजह से आपके जांघों के नीचे इचिंग्स, खुजली या रशेस टाइप हुआ है तो ये क्रीम्स को यूज़ करने से ठीक हो सकता है। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट्स में आपको इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि त्वचा के इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स को आप ट्वाइस ए डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्रीम्स को इस्तेमाल करने से पहले अपने अफेक्टेड एरिया को कोई मेडिकेटेड साबुन से धोए, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का इस्तेमाल केवल अपने अफेक्टेड एरिया पर इस्तेमाल करिए, यानी कि आपके जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उसी एरिया पर इसका इस्तेमाल करिए, सब जगह इस क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करिए। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स किस प्रकार काम करता है, डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि क्लोबीटासोल, जेंटामाइसिस, हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सीक्लोनस, क्लोबीटासोल एक स्टोरेज दवाई है जो कुछ केमिकल मैसेंजर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंड्स के उत्पादन को ब्लॉक करता है जो त्वचा में लालपन, सूजन और खुजली का कारण बनते हैं। जेंटामाइसिस एक एंटीबायोटिक्स दवाई है जो त्वचा के इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। हाइड्रोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स एक एंटी फंगल क्षमताओं से युक्त एक एंटीबायोटिक्स दवाई है। यह बैक्टीरिया और फंगी दोनों के विकास को और कई गुना होने से रोककर काम करता है। यह आपकी त्वचा के इन्फेक्शन का प्रभावी ढंग से इलाज करता है। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए तो डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट तो हमें कमेंट सेशन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। डर्मिफोर्ड K5 क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।